स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज जो मैं बातें करने वाला हूं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपको आपके भविष्य को आगे खतरे में डाल देती हैं। और ये मिस्टेक ह्यूमन एरर है, कहीं ना कहीं हम लोग करते रहते हैं। और जो एक शब्द है आपने सुना होगा, लास्ट डेट, अक्सर हम कोई भी काम करने चलते हैं, इवन मैं भी, ठीक है, तो कोई किसी चीज़ के बारे में बताता है तो हमारा अगला सवाल ये होता है कि लास्ट डेट कब है, ठीक है। और लास्ट डेट थोड़ी दूर होती है शुरू शुरू में, तो उस लगता है कर लेंगे और अचानक से वो पास आ जाती है, किसी वजह से हम मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं और हमारा नुकसान होता है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं जो लेटर था आपका डीजीटी का, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई थी, पूरा शेड्यूल दिया गया था, उस चीज़ को मैं आपको एक रिमाइंडर के तौर पर बताने वाला हूँ। प्लस अगर आप अभी नए स्टूडेंट हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ग्लोबल आईटीआई को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको आईटीआई से जुड़ी सभी हेल्प मिलती है, आईटीआई परीक्षा की तैयारी करना हो, बैक पेपर की तैयारी करना हो, या फिर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, वैकेंसीज, अप्रेंटिस की जानकारी चाहिए, सब कुछ आपके एक चैनल ग्लोबल आईटीआई पर समय समय पर मिलता रहता है। और आप चाहो तो छोटी सी फीस देकर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हो, एक नॉर्मल क्लासरूम में जैसे आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन होने वाले हैं, पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूँ, दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। कौन से एग्जामिनेशन होने वाले हैं? बैक पेपर होने वाला है प्लस लेफ्ट ओवर होने वाला है। मैंने पहले कई बार बता दिया है कि बैक पेपर और लेफ्ट ओवर में क्या डिफरेंस है। लेफ्ट ओवर वो होता है कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, आपको मौका ही नहीं मिला एग्जाम देने का, वो लेफ्ट ओवर होता है। और बैक पेपर कि आपका एडमिट कार्ड आ गया था, परीक्षा आप छूट गई या फिर आप फेल हो गए, वो सब बैक पेपर होता है। तो दोनों लोगों के लिए जो है ना, डीजीटी ने सितंबर में ही एक टाइम टेबल जारी किया था कि दोनों प्रकार के बच्चों को मौका दिया था उन्होंने, और कहा था कि अपने आईटीआई से दो महत्वपूर्ण काम कराना, उसका डेट भी इन्होंने एग्जैक्टली दिया हुआ था कि एक डेट है 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बोला था। किसके लिए बोला था? ये बोला था भाई एलिजिबिलिटी वगैरह होगी और किसकी होगी, ये लेफ्ट ओवर वाले बच्चों के लिए था, लेफ्ट ओवर ट्रेनिज के लिए बोला गया था कि 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच एनसीवीटी का जो एमआईएस पोर्टल है वहां पर जिसका जो कुछ भी बकाया है, जैसे फीस हो, अटेंडेंस हो, सेशनल हो, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर सुविधाएं दी गई थी। और मैंने बोला भी था कि आप लोग अपने अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिए। और आज डेट क्या हो गई? 28। अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो किसी के भरोसे या किसी के बहकावे में या किसी के झूठे वादे में फंसे होंगे, तो आप लोग, आखिरी मौका है, वैसे भी आज उसके बाद कल संडे है, कॉलेज बंद रहेगा, तो आपके पास सिर्फ फाइनल दो दिन बचते हैं। अब होता क्या है कि भले ही 31 अक्टूबर का मौका दिया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर तक कोई कॉलेज इंतजार नहीं करता है, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर की प्रॉब्लम, फीस ना सबमिट हो जाना, ये सब चीज़ें होती है। तो अगर आज वीडियो देख रहे हैं तो आज के आज ही आप अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना काम करवा लीजिए, नहीं तो फिर भविष्य में कभी मौका मिले भी ना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात करें हम लोग बैक पेपर की, मैं बात करूँ तो जो बैक पेपर के लिए था, जिन बच्चों की बैक है उनको बोला गया, उनके लिए जो कॉलेज पर 1 नवंबर से, ठीक है, 1 नवंबर से शुरू हो रहा है और ये 10 नवंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 10 नवंबर तक ये प्रोसेस चलने वाला है। और इसमें क्या होगा, इनका प्रैक्टिकल का बैक हो या थ्योरी का बैक हो, इनकी जो फी वगैरह है वो जमा होगी, और फीस पेमेंट जो है स्टूडेंट नहीं कर सकता, वो कॉलेज के द्वारा होगा, ठीक है। तो कॉलेज पर आपको जाना पड़ेगा, देखिए दोनों तरफ के सामने लिखा हुआ है कॉलेज। और महत्वपूर्ण क्या है भाई, 29 से 31 अक्टूबर ये अब खत्म होने वाला है, ये डेट था आपका लेफ्ट ओवर के लिए, तो आप लोग अपना भाई करवा लीजिए, इसके बाद कोई मौका मिलने वाला नहीं है। और ये बैक पेपर के लिए है 1 नवंबर से 10 नवंबर, तो मैं कहूंगा 10 नवंबर क्यों, आप 1 नवंबर को ही अपना काम करवा लीजिए। बाकी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहले ही कॉलेज पर जा चुके होंगे, बैक पेपर फीस वगैरह जमा कर दिए होंगे, तो आप बस एक बार जब ये पोर्टल खुलेगा तो अपने कॉलेज पर जो भी आपके सर होंगे, किसी से तो आप कॉन्टेक्ट में रहते होंगे, तो उनसे एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा, सर मेरा बैक पेपर फॉर्म अलाउ हो गया कि नहीं, मैंने फीस दे दिया था, ठीक है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि एक ही चीज बार बार बताते हैं, मैं इसलिए बताता हूं कि आज भी कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो क्या होगा, अभी तक अपने कॉलेज से संपर्क नहीं किए होंगे, और बहुत से बच्चे जब एडमिशन डेट खत्म हो जाती है तब आईटीआई करने निकलते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जब प्रोफाइल में करेक्शन चल रहा होता है उस डेट में वो नहीं करते हैं, बाद में पूछते हैं सर करेक्शन हो रहा है क्या, तो बताया जाता है भाई पिछले महीने हो रहा था।
तो इसीलिए मैं लगातार रिमाइंड करा रहा हूँ, किसी भी बच्चे का छूटे ना, और आपका कोई दोस्त है उसका लेफ्ट ओवर हो या फिर बैक पेपर हो तो यही सही। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप लेफ्ट ओवर में है कि बैक में है, अपने कॉलेज से संपर्क करिए, वो सब बताएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 1 नवंबर से 10 नवंबर बैक पेपर के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में बैक है इसी समय आपकी फीस और सब कुछ होगा, और लेफ्ट ओवर का 31 अक्टूबर के बाद कुछ नहीं होने वाला है, उसके पहले ही जो कुछ है आप करवा लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सवाल आ रहे हैं बच्चों के, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इसमें अगर आप देखोगे, एक मिनट मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूँ कि जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है ना डिजिटल बोर्ड, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यूज टू नहीं हूँ मैं अभी इससे। तो चलिए यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी नहीं है, नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ कि जो प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं उनका टाइम टेबल यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं तो आज फंस रहा हूँ, बोर्ड ही चलाना सीखना पड़ेगा पहले। चलो ठीक है, अब दिख रहा है, फर्स्ट 1 दिसंबर 2023 से बैक पेपर एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो टाइम टेबल यहाँ पर दिया गया है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ग्लोबल आईटीआई ऑलरेडी दे चुका हूँ, 1, 2, 4, 5, 6 तारीख तक प्रैक्टिकल के बैक पेपर और ड्राइंग के बैक पेपर, जो ओल्ड मॉडल वाले थे जो ड्राइंग शीट वगैरह पर दिए थे एग्जाम, उनका ये 1 से 6 दिसंबर के बीच होने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं प्रैक्टिकल ड्राइंग ये चीजें हैं, तो ये सबका इसी में होने वाला। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो बैक पेपर है सीबीटी वाले, ऑनलाइन वाली जो परीक्षाएं हैं इसके बाद होंगी, ठीक है। तो ये है आपका क्लियर है, ये डेट क्लियर है भाई, दिसंबर में आपके बैक पेपर होने हैं। तो कुछ लोग हो सकता हो कन्फ्यूज होंगे, पता नहीं होगा नहीं होगा कब होगा, तो ये सब कन्फ्यूजन से आपको बाहर आ जाना है, ठीक है। बाकी अब मैं डिजिटल बोर्ड से बाहर आने की कोशिश करता हूँ, मैंने आपसे बताया ना मैं थोड़ा यूज टू नहीं हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है। चलिए कोशिश करते हैं, और अगर चलिए छोड़िए इसके आगे का मैं यही बता देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपका किसी सब्जेक्ट में बैक है और आपको ये लग रहा है कि मैं क्या पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ, यानी बैक पेपर की तैयारी कैसे करूँ, इसको लेकर अगर आपका डाउट है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि बैक पेपर है आपका तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि आप आसानी से क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। क्योंकि बैक पेपर सभी सब्जेक्ट में होगा ना, किसी का किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी में फेल होंगे, तो कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है ना, बहुत सारे आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी। तो अगर आपको डाउट है इस टॉपिक पर तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट दिखता है तो मैं कहते हैं ना सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि बैक पेपर की तैयारी आपको कैसे करना है, और शॉर्ट वीडियो होगी, ऐसा नहीं होगा कि मैं ढेर सारी कहानी दे दूँ आपको 6 महीना पढ़ने के लिए। मैं बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा कम समय में आप इतना कॉन्फिडेंट हो पाओ, सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं करना है आपको, आपको इतना बता देना अच्छे से कि आपको बैक पेपर जो है ना वो क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी यही होगी कि बैक पेपर परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। बाकी मैं 1-2 दिन थोड़ा इसको चलाना सीख जाऊँ, आपको पता होगा पुराना वाला डिजिटल बोर्ड खराब हो गया था तो ये थोड़ा हमने नया मंगाया है, तो मैं थोड़ा यूज टू नहीं है ना। थैंक यू।